नमस्कार दोस्तों, बात करते हैं जिनके जन्म 7, 17 और 25 को हुए हैं। यदि आपके ये इन तारीख में जन्म हुए हैं, चाहे कोई सा भी महीना हो, तो आपका यह 2017 काफी अच्छा जाने वाला है आपके कैरियर के लिए। यदि आप कैरियर को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित हैं, तो 2017 में आपके कैरियर को नया मोड़ मिलने वाला है, और नए मोड़ मिलने के साथ साथ आपके कैरियर में बहुत सारी सुविधाएं आने वाली है। लेकिन ये बात ध्यान रखें कि आप अपने जीवन को और अच्छा बनाने के लिए जरूरी है कि आप अपनी तरफ से भी कोशिश करते रहें, क्योंकि अक्सर अगर आप थोड़ी सी भी कोशिशें छोड़ देंगे या फिर आत्मविश्वास तोड़ देंगे, तो उसकी वजह से आपके जीवन में जो भी आने वाला होगा वह आपसे दूर ही हो जाएगा। वैसे देखा जाए, कुल मिला के 2017 कैरियर के लिए बहुत अच्छा माना जा रहा है, लेकिन हेल्थ को लेकर थोड़ा ठीक नहीं है। आपको हेल्थ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि आप बहुत ज्यादा सेंसिबल हैं। यदि आप अपने जीवन को और भी ज्यादा अच्छा बनाना चाहते हैं, तो 2017 में अपनी हेल्थ का ध्यान रखें। और यदि आप लव लाइफ के जीवन में पड़ रहे हैं, तो आप उससे 2017 में काफी हद तक सोच समझ कर ही किसी से रिश्ता जोड़े, और नहीं तो आप उससे भी दूरी रहें तो बेटर है। यदि आप अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो 2017 के लिए बिजनेस स्टार्ट करना काफी अच्छा रहेगा। उसके लिए ज्यादा जरूरी है कि आप अपनी मेहनत करिए और उस परिणाम को और भी ज्यादा अच्छा परिणाम देने के लिए तैयार हो जाइए। 2017 में आप जो भी काम स्टार्ट करेंगे, वह काम आपके लिए फलदायक तो होगा, लेकिन शुरू में थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर आपकी आर्थिक स्थिति की वजह से या फिर आपके मनी की वजह से आपको प्रॉब्लम थोड़ी सी सहनी पड़ सकती है। तो आप उस प्रॉब्लम को सहकर अगर आप उस बिजनेस को और भी ज्यादा अच्छे तरीके से सुचारू रूप से चलाते हैं, तो वह बिजनेस आगे जाकर काफी अच्छा और बड़ा बन जाएगा। उसकी वजह से आपको बहुत ज्यादा प्रॉफिट मिलने वाला है। यदि आप चाहते हैं कि करियर को अच्छा बना सके और अपने जीवन को सुचारू रूप से चलाएं, तो उसके लिए जरूरी है कि 2017 के शुरू से ही अपने जीवन को और भी अच्छा बनाने के लिए तैयारी करते रहिए, ताकि अपने जीवन को अच्छा बना सके। और मेरी इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए।